नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज यहाँ पे एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, जो कि हृदय के लिए है, हृदय है जो हार्ट डिसीज है उसके बारे में क्या आयुर्वेद में बताया है। हृदय ये त्रिमर्मी अध्याय में बताया गया है, वाइटल ऑर्गन है। हृदय ये जीवात्मा का स्थान है, हृदय ये मन का स्थान है, हृदय ये रस व श्रोतस और प्राण व श्रोतस का स्थान है। जब भी हार्ट ब्रेक होता है तो राइट साइड का हार्ट और लेफ्ट साइड का हार्ट ऐसे दिखाते हैं, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ राइट साइड में कौन सा स्रोतस है, लेफ्ट साइड में कौन सा स्रोतस का मूल स्थान है। बिकॉज मूल स्थान ये प्रभाव स्थान बताया गया है। तो अगर देखा जाए, जब हम अन्न का सेवन करते हैं और जल का सेवन करते हैं, अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस का जब हम सेवन करते हैं, तो उसका डाइजेशन होके आहार रस बनता है, जो कि जो आहार रस ये पोर्टल वेन से होते हुए ये हमारे लीवर से इन्फीरियर वेना केवा से ये जाता है राइट साइड ऑफ हार्ट में। तो राइट साइड ऑफ हार्ट ये है रस व स्रोतस का मूल स्थान। और सेम वाइस वर्सा, जब प्राण व स्रोतस, जब हम शारंगर संहिता में बताया नाभिस्थ पवनः प्राणः, हाँ जो वो बताया है, जब वहाँ पे विष्णु अंबर और पीतः उदुम्बर, जब हम वो पीते हैं, मतलब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, तब रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम वो दोनों का एक्सप्लेनेशन शारंगर संहिता में बताया है। जब हम प्राण व स्रोतस हम जब इनहेल करते हैं तो बाह्य ऑक्सीजन हम अंदर में लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, हर सेल को वो जीवन प्रदान करता है। उसके बाद में बताया कि जटरा अनलहा जीवितम जटरा अनला, मतलब ये हर एक सेलुलर लेवल की अग्नि को बढ़ाता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ये प्राण नहीं पहुंचेगा, तो हर एक सेल डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। तो अब इसका अप्लाइड क्या है, ये कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, तो राइट साइड ऑफ हार्ट ये रस व स्रोतस, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ये प्राण व स्रोतस, ये हमें पता चला। लेकिन इसमें जो डिफॉर्मिटी रहती है, राइट साइड में जब डिफॉर्मिटी रहती है तो हमें कौन से ड्रग यूज करना है, लेफ्ट साइड में डिफॉर्मिटी रहती है तो कौन से ड्रग यूज करना है, लेकिन उससे पहले ये जो एलोपैथी के जो डॉक्टर है जो हमें ईसीजी निकालने के लिए बोलते हैं, तो ईसीजी हार्ट में किस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे AVR, यहाँ पे है V1, V2, यहाँ पे थर्ड लीड है, AVF है, सेकेंड लीड है, ये V4, V5, V6 है, यहाँ पे फर्स्ट लीड है और यहाँ पे AVL है। तो इस हिसाब से हार्ट के उन्होंने डायमेंशन बताया है। तो यही डायमेंशन अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो राइट साइड में हमें V1, V2, AVR और थर्ड लीड हमें देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो V4, V5, AVL और फर्स्ट और सेकेंड लीड हमें देखने को मिलता है, और बीच में हमें AVF और V3 देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से AVF और V3 और थर्ड लीड ये V3 ये रसव और प्राणव स्रोतस दोनों को डोनेट करके दिखाता है। तो इस हिसाब से ये हो गया रसव स्रोतस और ये हो गया प्राणव स्रोतस, इसमें अगर डिफॉर्मिटी रहती है तो हमें रसव स्रोतस और प्राणव स्रोतस ये दो स्रोतस को देखना है। लेकिन ये देखने के लिए हमें कौन से अधिकरण में जाना है, कौन से कल्प यूज करना है। अगर राइट साइड में रस प्रदोषज विकार है, रस राइट साइड में अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हमें ज्वर, जो कि रस व स्रोतस का मेन डिसीज है, उसमें लंघन बोला है, ज्वर के अधिकरण के कल्प हमें यूज करने हैं। उसके साथ हमें ग्रहणी अग्नि मांद्य से रस प्रदूषण होता है, तो उस हिसाब से ग्रहणी, अतिसार और अर्श, ये तीन कल्प हमें राइट साइड के हार्ट के डिसीज में यूज करने हैं। सेम लेफ्ट साइड के हार्ट के डिसीज में प्राण व स्रोतस इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें यहाँ पे श्वास, कास, हिक्का, राजक्षमा के कल्प यूज करने हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया AVF और V3 में कौन से कल्प यूज करना है, तो AVF और V3 में हमें शतकक्षीण में जो बताए गए जो कल्प है, अमृत रसायन जो है वहां पे हमें यूज करना है। तो उस हिसाब से ये सर्पी रसायन जो है वहां पे यूज करना है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कल्प है, लेकिन हमें देखना है कि कौन से साइड पे रस प्रदोषज में डिफॉर्मिटी है या प्राण व स्रोतस में डिफॉर्मिटी है। तो उस हिसाब से हार्ट के अगर हम दो हिस्सा करें तो उस हिसाब से हमें कल्प की चूज करनी है। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी की यूज करो डायग्नोसिस पर्पज, और ट्रीटमेंट आयुर्वेद की भी दे सकते हैं, बिकॉज हमें चेंज होना है, आयुर्वेद को चेंज होना है, तो थोड़ा सा हमें एडप्टेशन करना पड़ेगा, दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम बढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।